बार पहुंच गया, बंद होते समय एक नए रिकॉर्ड में इनकम स्तर 64 रुपए 11 पैसे एक डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत। क्या कारण है रुपए में लगातार गिरावट? शेयर बाजार में एक और जबरदस्त गिरावट का दिन, लगभग 350 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में शेयर बाजार सूचकांक करीब 1100 अंक नीचे जा चुका है। क्या यह हमारी मौजूदा अर्थव्यवस्था के खस्ता हाल का एक सबूत है या मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट सब थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं हम इस गिरते हुए रुपये और शेयर बाजार को थाम नहीं पा रहे? यही फोकस में चर्चा का विषय है। दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में अभी हैं, शिशिर सिन्हा, सीनियर असिस्टेंट एडिटर हिंदू अखबार बिजनेस लाइन, जो उनका पिंक पेपर है, बिजनेस पेपर, राम उपेंद्र दास साहब, पत्र है आपका, वरिष्ठ अर्थशास्त्री। अगर मैं उपेंद्र दास साहब आपसे शुरू करूँ आज की चर्चा, कि क्या कारण है कल रात RBI ने फिर नए कुछ कदम उठाए जिससे कि ऐसा लगा सवेरे बाजार और रुपया भी अपेक्षाकृत आज के माहौल में देखो तो एक स्थिरता के साथ खुला, हल्की सी मजबूती भी दिखी, बाजार तो एक बार 300 अंक के करीब तक ऊपर गया लेकिन बाद में फिर दोनों में जबरदस्त गिरावट, क्या वजह? देखिए, रुपये में ये जो अस्थिरता है ये दोनों आंतरिक और बाह्य कारणों से रहा है, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आप खुद ही, जैसे आपने कहा कि जब शुरू में ओपनिंग हुई उस वक्त तो आपको लगा होगा कि कोई इफेक्ट रहा होगा RBI के मेजर्स का, लेकिन शायद आज पहली बार मैंने देखा कि जनरली लोगों को ये समझ में आ रहा है कि रुपए की ये गिरावट बाह्य कारणों से ज़्यादा है और केवल भारतवर्ष में ही नहीं है। अगर आप तो इंडोनेशिया में देखें, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, तमाम दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहाँ पर उनकी करेंसी पे ये प्रभाव पड़ा। क्या कारण है? क्योंकि ये सारी संभावना इस पर टिकी हुई है कि USA अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग की जो पॉलिसी उसमें फेरबदल करने जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो स्टिमुलस को विड्रॉ करेंगे और वहाँ पे यील्ड्स बढ़ेंगे, तो इसलिए डॉलर वापस जा रहा है और यही कारण है कि डॉलर की शॉर्टेज हो रही है इन इमर्जिंग इकोनॉमीज में, इंक्लूडिंग हमारा अपना देश, और इसकी वजह से रुपया जो है और गिरता जा रहा है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको, आपने बहुत सही कहा कि कुछ एलिमेंट उनके भीतर ऐसा है जो कि उनको ओवर रिएक्ट करा रहा है और कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसमें कि स्पेकुलेटिव बिहेवियर की वजह से लोग इसमें भी प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हैं। देखिए, प्रॉफिटियर तो जो मार्केट प्लेयर है वो तो हर स्थिति में प्रॉफिट है, उसमें तो दूसरी तरफ की मजबूती ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको रुपया बढ़ाइए और उसमें प्रॉफिट कमवा के दीजिए। मतलब स्पेकुलेटिंग, तो स्पेकुलेशन तो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स है ही शायद। शिशिर सिन्हा, आप सहमत हैं इस तरह से कि जो रुपया गिर रहा है उसके ज़्यादा कारण ग्लोबल हैं, जैसे राम उपेंद्र दास साहब ने कहा, और ज़्यादा कारण डॉलर की मजबूती या जो एक क्वांटिटेटिव ईजिंग की टेपरिंग ऑफ होनी है जिसकी वजह से शायद दुनिया में लिक्विडिटी कम होगी, पैसा खींचेगा, यही कारण है या हमारे अंदरूनी भी कारण? देखिए, कल जो रिजर्व बैंक ने कदम उठाए वो रुपए के लिए नहीं था, वो था कि बैंक पे बैलेंस शीट पर बहुत निगेटिव असर ना पड़े। जो यील्ड कल 9.5% के करीब चला गया था उससे बैंकों के बैलेंस शीट पर बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका थी। अमूमन क्या होता है कि सेकेंड क्वार्टर ऐसा होता है जब NPA आपका बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये एक नॉर्मल ट्रेंड रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप बैंकों के जो SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है जो लगभग 23% के लगभग में है, उसकी वजह से और जिस तरह से बॉन्ड की यील्ड ऊपर गए उससे लगभग 40 से 45 हज़ार करोड़ का नुकसान होने का नहीं था। उसको ध्यान में रखते हुए कल रिजर्व बैंक ने 3 कदम उठाए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि आपके पास जो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में आप चल नहीं कर सकते हैं, जो आपका लॉसेस है वो आप स्प्लिट कर सकते हैं आने वाले दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में, इसकी टेपरिंग ऑफ। बिल्कुल, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि कैरी फॉरवर्ड कर। बिल्कुल सर, आज आप देखिए कि आज आपका नतीजा ये हुआ। तीसरा चीज़ उनका यह था कि जो अमाउंट है वो 24.5% तक जा सकता था, उन्होंने कहा कि उसको अबेंस में रख दीजिए, अभी आप जो मौजूदा स्थिति है उसको बनाए रखिए। इन तीनों का असर क्या हुआ कि आज यील्ड नीचे आ गया, वहाँ पर तो आपको रिलीफ मिली। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है, आज देर रात भारतीय समय अनुसार जो फेडरल रिजर्व के जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके इशू हो गया, और उस मिनट्स क्वान्टिटेटिव ईजिंग की जो टैपरिंग होनी है
उसका टाइम शेड्यूल दिया जाएगा। ये आशंका है कि ये सितंबर से ही शुरू हो सकता है। इसीलिए आप देखिए कि 1 बजे तक शेयर बाजार और रुपया बाजार दोनों एक निश्चित चाल पे चलता रहा। 1 बजे के बाद अचानक से गिरावट आई जब यूरोपीय बाजार खुले। और यूरोपीय बाजार में उस तरह की कमजोरी नहीं थी यूरोपीय बाजार, चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इमर्जिंग इकोनॉमी की, यूरोपियन मार्केट में भी कमजोरी थी। लेकिन आप ब्राजील का बाजार देखें, साउथ अफ्रीका का बाजार देखें, चीन का बाजार देखें, इन जगहों पे देखें जहाँ पर हम मार्केट के मार्केट जो हम कंपेयर करते हैं वहाँ पर गिरावट आई। और सिन्हा साहब, चीन की करेंसी इस साल 2% डिवैल्यूएट हुई है, हमारी 17% जी तुलना ही है। हम चीन से तुलना भी नहीं कर सकते, नहीं करेंसी की दुनिया में। और जो मैं राम उपेंद्र साहब की जो बात है उस पर भी आऊँगा कि उन्होंने कहा कि सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज की करेंसी गिर गई, लेकिन अगर आप 10 इमर्जिंग इकोनॉमीज की सूची बनाएंगे राम उपेंद्र दास साहब, तो भारत नीचे से दूसरे नंबर पर, भारत से ज़्यादा सिर्फ गिरी है, मेरे ख्याल से मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद ब्राज़ील। उसके सिवा सबकी करेंसी हमसे गिरी है, लेकिन हमारा फॉल सबसे अटिक है, हमारी शायद 17%, उनकी शायद 20%। उसके सिवा सब सिंगल डिजिट्स में गिरे हैं, या 11, 12, 13, 2, 5। मैक्सिको से शुरू करें इमर्जिंग इकोनॉमीज की सूची, चीन से, तो हमारी मतलब सब गिर रहे हैं, तो हम सबसे ज़्यादा सरपट क्यों गिर रहे हैं? वो नहीं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसी में मेरा सारा आशावाद छिपा हुआ है कि तमाम जो टॉप 10 इमर्जिंग इकोनॉमी जो आप कह रहे हैं उसमें से टॉप 10 की कोई सूची नहीं बना रहा सर मैं, तो जो महत्वपूर्ण करेंसी गिरी है उसमें अगर आप देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा गिरी है। उस अर्थ ये हुआ कि भारत से ही सबसे ज़्यादा पैसा डॉलर के रूप में यहाँ से बाहर गया, बनिस्पत की दूसरी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो वहाँ किसे आप उन्नागर करें। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में उन अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पैसा डॉलर डिनोमिनेशन में भारत में ज़्यादा था। ये पीछे का जो FDI इन्फ्लो और FII इन्फ्लो है उसका इतिहास बताता है। तो ठीक, इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है जो और जो आशावाद के साथ साथ आपने बहुत महत्वपूर्ण और वो ये प्रश्न पूछा है इसमें कि जब इस तरह की इकोनॉमी से डॉलर आउटफ्लो होता है और वो जा रहा है USA में भी, तो वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो वेरिएबल है जो अक्सर डिस्कशन में नहीं आ पाता है वो है कि दो देशों के बीच में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंडिया और USA के बीच में जो आउटफ्लो अस्पताल का है वो है, और दूसरे इकोनॉमीज में वो डिफरेंशियल नहीं। चलिए इसी बात से एक बात और निकालते हैं सर, चीफ सिन्हा साहब जो राम उपेंद्र दास जी कह रहे हैं कि अगर वाकई FII और FDI का पैसा डॉलर्स का बाहर जा रहा होता तो पता नहीं क्या दशा। बिल्कुल, क्योंकि 13 अरब 14 अरब डॉलर 13-14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट्स में FII का हुआ है, और पिछले 2 महीने के आंकड़े हैं कि उसमें 2 अरब निकाले, मतलब अभी 10-15% समझ लीजिए आप, 12-13 जो भी परसेंट, तो ये तो उन्होंने अभी तो पैसे निकाले ही नहीं है। उस स्थिति में तो ये हालात बन रही, क्योंकि लॉजिकली उनको पैसा निकालना सूट ही नहीं कर रहा, और पैसा निकालेंगे तो और घाटा होगा। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है क्या हो रहा है। तो स्थिति कहीं ना कहीं जिस बात में आने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोकल भी हैं क्या हम सारी चीज़ें दुनिया पे। मैं उसी पॉइंट पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अगर रिजर्व बैंक के कदम देखे होंगे जो पिछले समय में उन्होंने रुपये बाजार के लिए, कल की बात नहीं कर रहा था, पहले जो उठाया, उन्होंने कोशिश किया थी कि मार्केट में एक्सेस स्पेकुलेशन को हम कैसे कर करें, जो बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी होना गलत नहीं है, बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी होना गलत है। आप सेबी का कदम देख लीजिए, आप रिजर्व बैंक के कदम देख लीजिए, इन दोनों का मकसद क्या था, लिक्विडिटी टाइट की, ताकि आप बाजार में, लेकिन वो तो आपके उल्टे पड़े। मैं आपको आ रहा हूँ, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। बाजार में प्रॉब्लम क्या है कि इसको रिटर्न ऑफ कैपिटल कंट्रोल समझ लिया गया, कि आप अपने देश में कैपिटल को लगाना चाहते हैं। आप अगर FII आउटफ्लो देखिए वो नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि इमर्जिंग इकोनॉमी में भारत अभी भी उनके पोर्टफोलियो में ऊपर में है। प्रॉब्लम यह है कि लोकल लेवल पे किसी तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है लोकल इन्वेस्टर्स में, लोकल जो बैंक्स हैं, लोकल जो आपके पेट्रोलियम कंपनीज हैं, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। और उससे घाटे में सर जबरदस्त, आपको ऑयल इम्पोर्ट का आपका बंद नहीं हो रहा है ना, घाटे में होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऑयल इम्पोर्ट बंद करते रहें,
आज आपको दो महीने के बाद का जो ऑयल इंपोर्ट करना है उसके डॉलर की डिमांड भी आज आप करने लगे हैं, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है कि कल होगा तो डॉलर रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो आप इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा डॉलर जमा करने की कोशिश, और ये एक ऐसी समस्या है जिस समस्या से आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो लोग ये फॉरवर्ड में हेजिंग कर रहे हैं वो तो दूध का जला छाछ फूक फूक के पीते हैं ना, उन्होंने देखा है 50 से आप 64 पे आ गए आपको और आप आशाजनक रहे कि लेकिन किस लेवल पे कर रहे हैं, 68 पे कर रहे हैं, 67 पे कर रहे हैं। आप किसी भी डीलर से बात कीजिए वो बताएंगे आपको कि उनका हेजिंग लेवल क्या है, यानी कि वो पहले से ही मान करके चल रहे हैं कि रुपये का लेवल 65 से 68 के बीच में होगा। हम भले 60 की बात करें, हम 60 के नीचे की बात करें, वो पहले से ही मान करके चल रहे हैं। इन स्पेकुलेटर पे आप लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब एक डर बन जाता है ना आप उस डर को आश्रित नहीं कर सकते। यहाँ अगर मैं इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे यहाँ और आपने भी कि जो हमारे यहाँ का आंतरिक माहौल आज का बना हुआ है वो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। आप देखिए सरकार की नीतियों को अगर आप देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बहुत ओपनिंग की है सेक्टर्स में हर तरह से, चाहे कैप को बढ़ाने में या ऑटोमेटिक रूट में ले आने में। और फिर भी FDI का जो स्तर पहले था उतना अभी नहीं है, हालांकि अभी एक जून का जो फिगर है ये इसी के कंपेरेबल पीरियड में 22% के FDI में ग्रोथ हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ। देखिए FDI एक सोर्स है जहाँ पे हम लोग को डॉलर सप्लाई बढ़ानी चाहिए और उसी के माध्यम से रुपये को स्टेबलाइज करना चाहिए। FDI में वो ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है, ये नीतियों का प्रश्न नहीं है जितना कि राजनीति का प्रश्न है। मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे देश में एक ऐसा राजनीतिक माहौल बना हुआ है जहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजंस की अस्थिरता है, जो शायद किसी भी पहले कहना चाह रहे थे, इलेबरेट नहीं कर पाए, उसको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज की अस्थिरता जो है वो नीतियों की नहीं निकल रही है जितनी की राजनीति। तो आपको लग रहा है कि जो रुपया गिर रहा है वो राजनीतिक उथल पुथल की वजह से गिर रहा है, आंतरिक कारणों में। और मुझे लगता है कि अगर आप देखें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, FDI जो है रिजीम ओपनिंग के बावजूद भी अभी वो रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि लैग के साथ आप देखेंगे तो फिगर्स में आपको FDI इंक्रीज दिखेगा, और वही शायद सेफर रूट होगा डॉलर की सप्लाई बढ़ाएं जिससे कि रुपया ज़्यादा मजबूत हो, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अगेंस्ट पे रखे जा रहे हैं। बात है, मैं एक ब्रेक पे से पहले अंशुमन तिवारी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दैनिक जागरण से स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ गए, आपकी टिप्पणी लेते चलें। जो ये हम लगातार गिरावट का दौर देख रहे हैं, आपका क्या डायग्नोसिस है, प्रिस्क्रिप्शन बाद में? देखिए ये जो पिछले 3-4 दिन की गिरावट है इसमें ग्लोबल रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। ये काम एक्चुअली 15 सितंबर के बाद होना था जो पहले हो गया है, उसकी वजह यह कि रिजर्व बैंक ने जिस पैनिक के साथ पूरे मार्केट को मैनेज किया उसने बाजार में घबराहट ज़्यादा फैलाई। बाजार में मानकर चल रहा था कि 15 सितंबर अगर डेडलाइन फेड रिजर्व के टेपरिंग की आती है तो उसके बाद रुपया 63 से 65 के बीच में कहीं जाएगा, और वो ये भी मानकर चल रहा था कि $25 बिलियन का फायर पावर रिजर्व बैंक के पास है जिसका वो इस्तेमाल उस समय करेगा जब रुपया 65 के आसपास जाएगा और वापस उसे खींच के ऊपर ले आया जाएगा। लेकिन ये पिछले 3-4 दिन के कैपिटल कंट्रोल के फैसले लिए गए जिन फैसलों ने बाजार में एक अजीब सा असमंजस पैदा किया, इसलिए हम इस गिरावट को प्रीपोन होता हुआ देखा है, तात्कालिक स्थिति नहीं है। आज रात 8:30 बजे दुनिया बिल्कुल अधर में सांसें टांगे हुए देख रही है कि FOMC के कहीं सारी दुनिया को मालूम है कि भाई सितंबर में नहीं होगा, दिसंबर में होगा, कंफ्यूजन तो इतना ही ना, टेपरिंग होगी ये तो तय बात है, आज की मीटिंग हो उसमें कुछ भी निर्णय होगी, उसकी टाइमिंग की बात है, इस महीने के 2 महीने बाद, लेकिन सब कहीं ना कहीं प्राइस दिन है शायद वो फैक्ट, लेकिन बाजार में टाइमिंग बहुत फर्क करती है, क्योंकि अगर आप सितंबर में विड्रॉ कर रहे हैं दिसंबर में विड्रॉ कर रहे हैं इसमें तो बिलियंस एंड बिलियंस ट्रिलियंस का फर्क है कि अगर आप दिसंबर में वापस लेने की कोशिश की सितंबर में वापस ले और कितनी होगी किस लेवल तक होगी उसके पैमाने क्या होंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो बाजार, लेकिन बाजार में भारत की समस्या है कि जो बुनियादी कमजोरियाँ वो पहले से मौजूद हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वीकनेस है, फॉरेक्स मार्केट की वीकनेस है, जो पॉलिसी पैरालिसिस है, जो राजनीतिक अस्थिरता, वो सब चीज़ें मौजूद हैं। ओवरऑल लेवल ये जो ग्लोबल सिचुएशन इस समय बनी है खासतौर पर उसकी वजह ही है क्योंकि भारत को पिछले 3 साल में जितना भी डॉलर मिला उसे उसी रास्ते से मिला, इसके अलावा कोई एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं 2 साल से, और वही रास्ता जो पिछले 2 साल में जो $30 बिलियन आए हैं वो सब शेयर बाजार के रास्ते हैं, वो वापस जाने का खतरा, तो वो पैनिक वहाँ पर। जब एक अर्थव्यवस्था अच्छी थी,
जब बढ़त दर अच्छी थी, जब यहाँ के बैंक मजबूत थे, रुपया स्थिर था, तो सारा श्रेय हम खुद लेते थे कि हम दुनिया से अलग हैं। जब हमारी सब चीज़ें एक के बाद छिन्न हो रही, हम सारा ब्लेम दुनिया पर डालना चाहते हैं कि ये ग्लोबल रीजन की वजह से हो रहा है। हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद अपने विशेषज्ञों से रखते हैं बातचीत चालू। सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जरा देख के बताइए हमारे खाते में कितने पैसे जमा हुए। ये वाले 500 मिलाकर पूरे 10,000। और मेरे खाते में पूरे 8,000। हमारे स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ों की मांग बाजार में बढ़ रही है। हम सबको मिलकर एक बंद मुट्ठी की तरह काम का होगा। हैप्पी बर्थडे जी, अब दुनिया हमारी है। स्वागत है फोकस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका। चर्चा हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था की। हम अंशु थोड़ा आपके पास दोबारा आज भी आ रहे हैं, आप देर से जुड़े तो आपसे और टिप्पणी ले लें। बात यहाँ पे ये हो रही थी कि दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज है, अगर उसकी सूची बनाई जाए तो भारत में करेंसी जिनकी गिरी है, भारत नीचे से दूसरे पायदान पे, हमारे से ज़्यादा करेंसी सिर्फ एक राष्ट्र गिरी है ब्राज़ील, बाकी दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, थाईलैंड, इंडोनेशिया जो भी इकोनॉमीज है 8-10 बड़ी, चीन की तो खैर 2% भी गिरी है। उनमें एक कॉमन फैक्टर और है कि किन राष्ट्रों की करेंसी सबसे ज़्यादा गिरी है, उनमें करंट अकाउंट डेफिसिट किसका ज़्यादा, उसमें भी हम उस सूची में सबसे नीचे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का भी कोई सामंजस्य है। जब हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम अपना वित्तीय अनुशासन जो नहीं बना के चल रहे हैं, वो भी एक कारण है। स्वाभाविक सी बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट मेजर कंसर्न है। और अगर आप देखें कि जब पिछले क्वार्टर में करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ी सी कमी हुई थी और सरकार को लग रहा था कि थोड़ी को राहत मिलेगी, राहत नहीं क्योंकि ये साल पूरा जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट एक मेजर पैमाना है रुपए की कमजोरी और मजबूती का। भारत में दोनों समस्याएं हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होना ही समस्या नहीं, उसकी क्वालिटी भी बड़ा चल रही है। क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका FDI से फिलअप होता है या FII से होता है, फिनांसिंग कैसे इस डेफिसिट की करते हैं। और देखिए पूरा का पूरा बहुत स्पष्ट रूप से पूरा फिर $18 बिलियन का। अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $70 बिलियन है तो आप सेफ हैं, और अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $90 बिलियन है, $88 बिलियन है तो आप अनसेफ हैं। तो ये जो $18 बिलियन की क्राइसिस बिल्ट होना शुरू हुई है पिछले साल दिसंबर से, जिसको वित्त मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम फिनांस कर रहे हैं, इसी की कोशिश चल रही है कि 4 बिलियन यहाँ से मिल जाए, 8 बिलियन यहाँ से मिल जाए। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि अगर आप बाकी देशों में तुलना करें, दो पैमाने जो लोगों को में घबराहट फैलाते हैं विदेशी मुद्रा बाजार में, दूसरा कि आपके पास फॉरेक्स कवर कितने दिनों का है। इस मामले में ब्रिटेन में सबसे खराब स्थिति में, ज़्यादातर जो कंट्रीज के फॉरेक्स कवर खासतौर से मल्टी इकोनॉमीज के फॉरेक्स कवर 8 से 9 महीने के, इसलिए उनके पास एक फायर पावर मौजूद है बैक एंड में, और इन्वेस्टर को मालूम है कि 8 से 9 महीने का इम्पोर्ट कवर काफी। हम सात पर हैं और रिजर्व बैंक जितना बाजार में डॉलर छोड़ेगा फॉरेक्स कवर उतना ही घटता जाएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि $25 बिलियन का फायर पावर है रिजर्व बैंक के पास, उसे कम इस्तेमाल करता है पता नहीं। $25 बिलियन से ज़्यादा रिजर्व बैंक किसी भी स्थिति में नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहीं आप जैसे ही वो करीब करीब 10% है आपके टोटल फॉरेक्स, क्योंकि जैसे ही आप 6.5 महीने पर आए वैसे ही आप दूसरे ट्रैक में चले जाएंगे, जिसको रेटिंग्स जो ग्रीनस्टोन गोरबिटी रूल कहता है कि आपका शॉर्ट टर्म डेट के एक साल के शॉर्ट टर्म डेट के बराबर फॉरेक्स रिजर्व आपके पास होना ही चाहिए। तो आप दूसरी क्राइसिस में एंटर कर जाएंगे कि आपका अभी हमारे पास 1.5 साल के शॉर्ट टर्म डेट के बराबर फॉरेक्स रिजर्व है। तो इसलिए रिजर्व बैंक बहुत थिन लाइन पर ऑपरेट कर रहा है। इसलिए जब आपने देखा कि इंटरवेंशन रिजर्व बैंक करता तो कितना संभाल के करता, $3 बिलियन, $4 बिलियन, $1 बिलियन, $2 बिलियन छोड़ने की कोशिश करता, यह बड़ा चैलेंज है। बाजार के पैमाने में वो रकम काफी करेंसी संभालने की, जिस तरह से दुनिया में जिस स्केल पे ट्रेडिंग वगैरह हो रही है। तो अब चलिए, हमने सारी समस्या की आप लोगों से जानकारी और टिप्पणी ली, अब इसका समाधान क्या है? वही जो आपने कहा कि अल्टीमेटली हम लोग को करंट अकाउंट डेफिसिट को ही टैकल करना, उसकी फाइनेंसिंग तो बात की थी। तो अब करंट अकाउंट चुनावी साल में डीजल की कीमतें कर दें मार्केट फोर्सेस पे, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम हो जाएगा, लेकिन वोट पे डेफिसिट बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन आप ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें कि किस तरह से सरकार इस पर रिस्पॉन्स दे रही है, या तो आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं जो कि फॉरेन मार्केट पर डिपेंडेंट होता है, खाली आपकी अपनी कंपेटिटिवनेस पर नहीं, वहाँ भी तो डिमांड होनी चाहिए, फॉरेन डिमांड।
दूसरा है कि हम इंपोर्ट को घटाएं। इंपोर्ट में आप जानते हैं कि जो एकदम फिक्स्ड इंपोर्ट्स हैं, जो एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, उनको हम घटा नहीं सकते। तो अब सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि जो लग्जरी, सो कॉल्ड लग्जरी, अगर उसको हम डिफाइन कर सकें, उन पे हम इंपोर्ट टैरिफ इंक्रीज करके उनके इंपोर्ट्स को चेक करें। तो अब दोनों चीज़ करनी पड़ेगी एक साथ, एक्सपोर्ट्स को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो चूँकि फॉरेन डिमांड पे डिपेंड करता है। तो सरकार ने एक और भी काम किया, और वो अक्सर हमारे डिबेट में नहीं आ पाता है कि हम लोगों ने इसीलिए, क्योंकि फॉरेन डिमांड यूएस और यूरोप में वीक रहा है, हमारी जो लुक इस पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रेंथन हुई। इनफैक्ट ये इररेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, आई मीन ये शुरू हुई कांग्रेस सरकार से, लेकिन वो थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, सबने इसको बढ़ावा दिया, क्योंकि अभी जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रेविटी है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ है, और इसीलिए हमारा जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ताकि हमारा दोनों एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों के फ्रंट पे हमारा उनके साथ लिंकेज हो, ये बहुत अहम होगा। कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट अकाउंट डेफिसिट ओवर द ईयर्स जो आपको दिखाई पड़ेगा, और इसीलिए आज ये समस्या उभर के आई है, तो इसमें शायद एक बहुत बड़ा सोल्यूशन का इम्पोर्टेंस उजागर हो रहा है कि अब वो समय निकल गया जब हम सिर्फ अपने ट्रेड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए यूरोप और यूएसए पे, नॉर्थ अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। अभी हमें ज़्यादा इंटीग्रेशन अपने ईस्ट टू एशिया इकॉनमी के साथ करना पड़ेगा। बहरहाल एक समस्या तो ये भी है ना अंशी साहब की, जब इतना भारी संकट सामने खड़ा होता है, समाधान उसी समय ढूंढने की कोशिश होती है, चाहे वो टेलीविजन स्टूडियोज में हो, चाहे कहीं ना कहीं सरकार में। जब समय अच्छा चल रहा होता है उस समय समाधानों की तलाश अगर करके रखें तो शायद भी। यही तो समस्या हुई है कि हमने 2012 सितंबर तक वर्चुअली कुछ भी नहीं किया, हमने 2012 सितंबर के बाद एक के बाद एक फैसले लेने शुरू किए। इसको एक कहावत भी कहते हैं कि जब आग लगे तो आप कुआं खोदने जाते हैं, तो वो आपका सोल्यूशन कभी भी नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। अगर आप देखिए पिछले दो महीने का एक्सपोर्ट देखिए, वो एक अच्छा माना गया है, क्योंकि अगर फॉलिंग रुपी है, यूएस में रिकवरी है, यूरोप में रिकवरी है, तो एक आपके लिए उम्मीद है कि वहाँ से आपके लिए डिमांड बूस्टअप होगा, तो आपके लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका है। दूसरा, सर्विसेज सेक्टर का जो है, यूएस की बात करें खासतौर पर, वहाँ पर आपके लिए डिमांड रहे, क्योंकि यूएस में आईटी स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो वो आपके लिए दूसरा एक पॉजिटिव हो सकता है, और उसके रिजल्ट्स आपके यूएस अर्थव्यवस्था की आने वाले दिनों की मजबूती हमारे लिए सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ का कारण बन सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग निगेटिविटी में ज़्यादा खोए हुए हैं, हमें हमेशा ये लगता है कि हमारी सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया, तो कुछ भी नहीं हो सकता जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव्स को दिख रही हैं, और उन पॉजिटिव्स को आपको एक्सप्लॉयट करने की ज़रूरत है। तीसरा, मैं आपको बताऊँ, माइलन का अकेले एफडीआई प्रोजेक्ट अप्रूव होने पे आपके पास $1.6 बिलियन आ सकता है एक झटके में। एक प्रपोजल आपके लिए अकेले वो ला सकता है जो पीएम की मीटिंग से क्लियर किया गया है, तो वो आपके लिए एक और पॉजिटिव हो सकता है। चौथी बाद में आएगा, अगर आप आयरन ओर एक्सपोर्ट शुरू करवा दें तो 10 बिलियन आयरन ओर का एक्सपोर्ट आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप आयरन ओर माइनिंग ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सब तो बातें कोर्ट में जाएंगे, और आज आपके स्टील मिनिस्ट्री में कोई पीआईएल क्यों नहीं लगा रहे कि सर आप देश को बचाइए प्लीज। सर यही तो आपके स्टील मिनिस्ट्री ने आज क्या कह दिया कि हम आयरन ओर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन को अपोज करेंगे, यानी कि वो चैप्टर आपके लिए मुसीबत भरा हो सकता है, उसके ऊपर अभी आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट आपको डिसीजन देगा, उसके बाद आप माइनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर फैसला करेंगे तब जाएंगे। इमीडिएट फ्रंट पे मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उस पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में अगर 10% भी अगर आपका टाइम पे स्टार्ट हो गया, तो आप समझिए कि उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन वही मैंने कहा कि हम लोग निगेटिविटी में ज़्यादा खोल रहे हैं। ये जो छोटे छोटे, अगर आप ही की बात कहूँगा, ये जो छोटे छोटे पॉजिटिव्स की बात है, अगर हम इसको इग्नोर करते जाएंगे तो फिर कुछ नहीं। तो अंशुमन तिवारी साहब, सुर्खियों की नकारात्मक से निकल के अगर कुछ सकारात्मक देखना हो, तो क्या 3-4 बड़े कदम उठाने चाहिए जनता को भी सरकार को, इस स्थिति को संभले। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि अगले 3-4 महीने वाली बड़े चुनौती पर हैं, जब तक कि पूरी दुनिया फेड रिजर्व की टैपरिंग को एडजस्ट नहीं कर लेती है। हमारे पास पहला सवाल है, तो ये जो पैनिक
बटन जनता ने प्रेस नहीं किया, बाजार ने प्रेस नहीं किया, बाजार को तो मालूम है रुपया गिरने वाला है, वो तो जो फॉरवर्ड ऑर्डर कर रहा है ब्रोकर बैठा हुआ वित्त मंत्रालय के अधिकारी से ज्यादा जानता है। तो जो ये जो पैनिक इंटरवेंशन है इन्हें रोकना चाहिए। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोचा कि अब हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे जब तक स्टेबिलिटी नहीं, जब इनस्टेबल होती है और आप उसमें हाथ डालते हैं तो समस्या बढ़ाता है क्योंकि बाजार आपका की साइकोलॉजी टेस्ट करता है और अगले लेवल पे जाने की कोशिश करता है। तो पहली चीज तो पैनिक इंटरवेंशन है। ये प्रॉब्लम एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस से निकली है और वो लॉन्ग टर्म ही इसका सोल्यूशन है। आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, आपके पास आपने इंपोर्ट रोका है, ऑयल की डिमांड धीरे धीरे कम होगी प्राइस बढ़ने से तो आपका ऑयल इम्पोर्ट कम होगा, गोल्ड के इम्पोर्ट पर जो बैन लगाया गया उसका असर अगले 3 महीने 4 महीने में आना शुरू होगा, रुपये में गिरावट का फायदा एक्सपोर्ट्स को अगले ऑर्डर में मिलेगा जिसका रियलाइजेशन दिसंबर या जनवरी तक आएगा तो तब तक आएगा, तो अगले 3-4 महीने तक। हाँ मैं मान रहा हूँ कि जनरली अगर आप बाजार में किसी से बात करें तो की वैल्यू डॉलर की वैल्यू 58 से 60 रुपये जेन्युइन वैल्यू है अगर आप सारे सारे फैक्टर देखें। मैं इसी सकारात्मक नोट पे आपको रोकता हूँ कि आपका मानना ये है कि 58 से 60 रुपये जेन्युइन वैल्यू है, तो इस तरह के प्रयास हो कि हम अपनी उस असल कीमत की तरफ लौटे। अंशुमन तिवारी साहब, राम उपेंद्र दास जी, सुशील सिन्हा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया और आप सभी का भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा आपके अपने और देश के सबसे बड़े टेलीविजन न्यूज नेटवर्क पे। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। 8 बजे आप देखेंगे न्यूज नाइट हिंदी में मीना शर्मा के साथ, जिसमें पूना में जो एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हुई है उस पर होगा बड़ा सवाल कि क्या अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मौत। 9 बजे अंग्रेजी में देखिएगा न्यूज नाइट गौतम रॉय के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार और शुभ रात्रि।